हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी ने बिहार पुलिस का फॉर्म लगभग भर ही दिया होगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है 20 जुलाई तक है। नहीं भी भरा होगा तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट आते आते सर्वर जो है डाउन हो जाता है। अभी मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये पूछा जा रहा था कि बिहार पुलिस के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार पुलिस के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी होती है, क्या सैलरी होती है और सभी अलग अलग पोस्टों की क्या फैसिलिटी होती है। जब आप फॉर्म भरने जैसे ही जाइएगा दोस्तों, तो वहां आपको प्रिफरेंस चूज करना होता है। ठीक है, प्रिफरेंस में रहता है सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस देखने को मिलेगा, फिर मिलेगा BSAP, उसके बाद आता है अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स में देखिए आपके तीन आ जाते हैं, GRP जिसे गवर्नमेंट रेल फोर्स कहा जाता है, ठीक, BISF जिसे बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी बोला जाता है, ये CISF के तर्ज पर बनाया गया है, और ये है SIRB जिसे स्पेशलाइज्ड इंडियन रिसीव्ड बटालियन भी बोला जाता है। देखिए, कोई भी एक छात्र जो है नौकरी में जाता है तो क्या सोचता है, कोई भी पोस्ट चूज करने से पहले वो सोचता है कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। हर कोई पहले अपनी जॉब प्रोफाइल देखता है, और जॉब प्रोफाइल में एक स्टूडेंट क्या चाहता है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, उसके प्रमोशन के क्या रोल होंगे, वर्कलोड क्या रहेगा और फैसिलिटीज क्या रहेगी। कोई भी छात्र कोई भी नौकरी ज्वाइन करने से पहले इन सभी चीजों को देखता है और जानना चाहता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं इसकी कंप्लीट जानकारी देता हूं, साथ ही यह भी बताऊंगा कि आपके लिए बिहार पुलिस की सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, हम किस पोस्ट में अप्लाई करें कि जिससे हम नौकरी के साथ साथ अच्छी तैयारी भी कर सके आगे के लिए, और मैं सभी पोस्टों का प्रमोशन रूल भी बताऊंगा। वीडियो पूरा बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए, पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, जिसे हम बोलते हैं जिला पुलिस। आमतौर पर देखा जाए तो दोस्तों, इनकी जो ज्वाइनिंग होती है या जो पोस्टिंग होती है, ये जिला में होती है, इसलिए इनको बोला जाता है जिला पुलिस, ठीक। और इनका देखिए जो ड्यूटी है, इनके ड्यूटी का कोई उतना ज्यादा होते वर्कलोड की बात की जाए तो वर्कलोड दोनों सभी पोस्टों का सेम है, ड्यूटी का अंतर रहता है। इनका क्या है कि ड्यूटी आपको ये दरोगा के साथ रहेंगे, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके साथ चलेंगे, ठीक। ये जिला पुलिस में रहते हैं और इनको हमेशा खाकी वर्दी में रहना होता है, किनको, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। अब हम बात करते हैं BSAP की, और इनकी देखिए जो बेसिक होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 21,700 बेसिक है, यानी आपको अलाउंस उलाउंस जोड़ जाड़ के आपको एक माना जाए तो 33,000 के लमसम सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगी। हम बात करते हैं BSAP की, तो देखिए BSAP एक ऐसा फोर्स है, इनकी ड्यूटी जो होती है रोज नहीं लगती है। ध्यान दीजिएगा कि BSAP की ड्यूटी जो डेली नहीं लगती है, किसी विशेष दिन, किसी मान के चलिए कोई मुख्यमंत्री आ रहा हो, कोई बड़ा नेता आ रहा हो, कोई बड़ा राजनेता आ रहा हो, जो कुछ भी हो, बड़ा कोई VIP आ रहा हो, उस दिन की ड्यूटी लगती है, या किसी दिन कहीं दंगा प्रसाद हो गया, राइट्स फैल गए, उस दिन इनकी ड्यूटी लगती है। और इनकी ड्यूटी का कोई ठीक नहीं रहता है, कभी भी इनको बुलाया जा सकता है, किनको, BSAP को। लेकिन ये उन छात्रों के लिए बढ़िया जॉब है जो चाहते हैं कि हम ड्यूटी में रहते हुए भी अपने आगे की तैयारी को हम जारी रख सके, ये उनके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है, कौन, BSAP, क्योंकि इनकी ड्यूटी जो है डेली नहीं लगती है, इनकी ड्यूटी किसी दिन ही लगाई जाती है, खास मौके पर, यदि कोई बड़ा काम हो, कोई बड़ा नेता आ रहा हो, कोई बड़ा राजनेता आ रहा हो, कोई मंत्री आ रहा हो, कोई विधायक आ रहा हो, ठीक, या कोई मान के चलिए बड़ा VIP आ रहा हो, या कहीं राइड्स हो गए, कहीं दंगे फैल गए, उन जगहों पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है किसी विशेष दिन विशेष कार्य के लिए। और इनकी जो सैलरी होती है दोस्त, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ज्यादा होती है, किनसे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से इनकी सैलरी ज्यादा होती है। क्यों, इसलिए ज्यादा होती है कि इनको बोला जाता है BSAP, ये स्पेशल फोर्स होते हैं, और ज्यादा क्या बनता है, बेसिक इनका सेम रहेगा, जिस दिन इनको स्पेशल ड्यूटी मिलती है
उस इनका इनका अलग से पैसा बनता है, लगभग 300 या 400 रुपए एक्स्ट्रा बनते हैं और उसमें अलाउंस भी जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी बीएसएपी की ड्यूटी अगर किसी विशेष दिन लगाई जाती है तो उस मौके पर इनको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। बेसिक सेम रहेगा दोस्त, लेकिन जिस दिन इनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, जिस दिन स्पेशल ड्यूटी लगती है, उनको इनको मतलब अलग से अलाउंसेस दिया जाता है। लगभग 276 से 376 रुपए की बढ़ोतरी होती है, प्लस इसमें और अलाउंस भी जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बीएसएपी की जो सैलरी होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ज्यादा होती है। ठीक, यानी हम बात करें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, तो एक अराउंड जो सैलरी होती है इनकी कट पीट कर 33,000 के लमसम मिलती है। लेकिन अगर वही हम बात करें बीएसएपी की, देखिए फ्रेंड, बीएसएपी में होता क्या है कि इनकी जो सैलरी होती है स्पेशल दिन लगाई जाती है, जैसे मैंने पहले बताया विशेष कार्य के लिए, तो उनको अलग से इनको भत्ता दिया जाता है। इनकी जो सैलरी होती है अराउंड 37,000 से 40,000 के बीच चली जाती है पर मंथ। आपने समझ गए होंगे। देखिए अब आते हैं अदर यूनिट्स में। अदर यूनिट्स में आइएगा तो अदर यूनिट्स में तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए एक होते हैं जीआरपी, जिनको बोला जाता है गवर्नमेंट रेल पुलिस। ये आरपीएफ के तर्ज पर बनाई गई है, ये राज्यों में रेल सेवा में अपनी सेवा देते हैं। ठीक है, यानी इनका ड्यूटी कहाँ रहता है जीआरपीए का? जो राज्य होते हैं अपने स्टेट में रेल विभाग में अपनी सेवा को ये देते हैं। ये आरपीएफ के तर्ज पर बनाई गई है, इसलिए इनको बोला जाता है जीआरपी, गवर्नमेंट रेल फोर्स। अगर हम बात करें बीआईएसएफ की, तो इनका पूरा नाम होता है बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी ये सीआईएसएफ के तर्ज पर बनाई गई है। यानी इनका काम है इनके अपने स्टेट में अपने राज्य में इंडस्ट्रियल जगह जितने भी हैं वहां पर ये अपनी सेवा देते हैं। यदि हम बात करें एसआईआरबी की, तो इनका पूरा नाम होता है स्पेशलाइज्ड इंडियन रिजर्व बटालियन। देखिए इनकी ड्यूटी जो होती है, इनकी ड्यूटी की कोई सीमा नहीं रहती है, इनकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों में से सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल यह है, सभी छात्रों को लोगों के मन में सवाल ज्यादा उठता है कि हम किस पोस्ट को प्रेफरेंस दें फॉर्म भरते समय। तो देखिए वैसे छात्र जो अगर चाहते हैं कि हम सैलरी ज्यादा चाहें, साथ में हम पढ़ाई भी ज्यादा करें, मतलब हमें ड्यूटी के साथ साथ हमें अपने पढ़ाई को भी जारी रखना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बीएसएपी। लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में क्या है, आपका वर्कलोड उतना कोई ज्यादा नहीं रहता है। आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करते समय पढ़ाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, मतलब जो भी हो। लेकिन इनकी जो ड्यूटी होती है बीएसएपी की, मैंने पहले ही बताया किसी विशेष दिन विशेष कार्य के लिए ड्यूटी लगाई जाती है, इनकी ड्यूटी रोज नहीं लगती। लेकिन ये ड्यूटी पीरियड में कुछ भी नहीं कर सकते, सब चीज के लिए इनकी मनाही होती है। यानी ड्यूटी करना है तो करना है, उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते चाहे कितना भी इमरजेंसी काम हो। तो ये आपका फैसला है कि आप कौन सा इन दोनों में से सिलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस या बीएसएपी। आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी रहते हुए थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो ये है बीएसएपी। ठीक, प्लस इसमें ज्यादा सैलरी भी है, लेकिन इसका टर्म एंड कंडीशन यह है, इस आपकी ड्यूटी की कोई निश्चित सीमा नहीं, आपकी ड्यूटी कभी भी लगाई जा सकती है। ये बात है कि आपकी ड्यूटी इसमें डेली नहीं रहेगी बीएसएपी में, लेकिन जब बुलाया जाएगा तो आपको ड्यूटी करने जाना ही पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी काम हो, उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते, ड्यूटी पीरियड में कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये आप लोगों पर फैसला है कि दोनों में से कौन सिलेक्ट करते हैं। अगर मेरी माने दोस्त, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा बीएसएपी को, क्योंकि देखिए इसकी जो ड्यूटी है, मान के चलिए कभी भी ड्यूटी लगाई जाएगी तो स्पेशल दिन ही लगाई जाएगी, लेकिन डेली डेली ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, तो उस दिन आप पढ़ाई कर सकते हैं। मान चलिए हफ्ते में आपके 3 दिन ड्यूटी लगती है, तो आप 3 दिन पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी समय है। इसलिए मैं प्रेफरेंस करूंगा बीएसएपी की। अब देखिए अगर हम बात करें अदर यूनिट्स की, तो अदर यूनिट्स में तीन चीजें आती हैं, जीआरपी, बीएसएफ और एसआईआरबी। देखिए ये पोस्ट उनको मिलता है ये जो जिनका नंबर फिजिकल में कम होता है, जो फिजिकल में थोड़े बहुत कम नंबर जिनको रहते हैं
उनको इन तीनों में से कोई एक पोस्ट अलॉट कर दिया जाता है। बाकी अगर आप इन दोनों में से कोई भी पोस्ट सिलेक्ट करते हैं, अगर आपका फिजिकल में नंबर ज्यादा है, अधिक मार्क्स है, कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, तब आपको जो आप पोस्ट प्रेफरेंस किए रहेंगे, यदि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस को प्रेफरेंस करते हैं फॉर्म भरते समय, तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलेगा। यदि आप बीएसएफपी को प्रेफरेंस देते हैं तो आपको बीएसएफपी मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आपका मार्क्स फिजिकल में ज्यादा होगा, कट ऑफ को पार करेगा, तभी ये दोनों पोस्ट आपके प्रेफरेंस के अनुसार मिल सकता है। अन्यथा आपका नंबर कम रहता है फिजिकल में, उसके उसको क्या करेगा कि इन तीनों में से कोई एक पोस्ट सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये फैसला फ्रेंड्स आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन सा पोस्ट सिलेक्ट करते हैं। मैंने सब चीज बता दिया। देखिए सैलरी की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया कि बीएसएफपी सबसे बढ़िया है। हम अब जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, सैलरी के बारे में हमने पहले ही बताया, बीएसएफ को प्रेफरेंस दीजिए। अब देखिए प्रमोशन की बात किया जाए तो फ्रेंड्स देखिए प्रमोशन का रूल जो है सब में सेम है, लगभग लगभग, पूरा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन लगभग लगभग सब में सेम है। होता क्या है कि यदि आप जिला पुलिस हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कम से कम आपको 10 साल लगेंगे हवलदार बनने में, जिला पुलिस ले हवलदार बनने में, उस हवलदार से आपको फिर 10 साल लगते हैं एएसआई बनने में, और एएसआई बनने के 10 साल बाद लगते हैं आपको एसआई बनने में, और जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र होती है तब जाकर आप इंस्पेक्टर बनते हैं। ये जो है सभी में नियम लागू है, लगभग लगभग सभी में इन सारे पोस्टों में यही होता है। वर्कलोड की बात की जाए, देखिए वर्कलोड सबका थोड़ा बहुत कम या ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए सबसे कम वर्कलोड बीएसएपी ही है, इसकी सैलरी भी ज्यादा है, वर्कलोड भी कम है, लेकिन इसका टर्म एंड कंडीशन मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस देते हैं फॉर्म भरते समय, यदि आपको फाइनल मेरिट में पोस्ट मिलता है तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है बीएसएपी में कि आपको ड्यूटी विशेष तीन ही लगाई जाएगी, विशेष कार्य के लिए लगाई जाएगी, लेकिन आपको उस ड्यूटी पीरियड में आप कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि जिला पुलिस और सब पोस्टों में ऐसा नहीं है। आप ड्यूटी पीरियड में थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी हो, लेकिन जब इनकी ड्यूटी लगती है बीएसएफपी की, तो उस ड्यूटी पीरियड आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सैलरी भी ज्यादा है। प्रमोशन का रूल देखिए सब सेम है, और फैसिलिटीज की बात की जाए तो फैसिलिटीज भी दोस्तों सभी पोस्टों में मिला जुला देखा जाए तो सेम है। उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि हमें फॉर्म भरते समय कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ मेरे चैनल पर बिहार पुलिस की तैयारी के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट मेरे चैनल पर अपलोड है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।